नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइट न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करूंगा बीजेपी के नेता मनोज तिवारी की। जी हां, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं और मनोज तिवारी ने अमित शाह को भगवान बता दिया। अमित शाह को भगवान राम की उपाधि मनोज तिवारी ने दी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तुलना भगवान राम से कर दी। दरअसल बीते रविवार को समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने भाजपा की जमकर आलोचना की थी और अमित शाह की जो तुलना है वो रावण से की थी। जी हाँ, देखिए यहाँ पर एक नया मोड़ यहाँ पर आया कि हुआ ये कि समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने भाजपा की जमकर आलोचना की और अमित शाह की तुलना रावण से कर दी। इसके जवाब में बीते सोमवार को मनोज तिवारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी झुंझलाहट में देते हैं क्योंकि उनका जनाधार खिसक गया है। मनोज तिवारी ने आगे कहा कि रावण अपने खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करता था, उसका यही चरित्र था, जबकि दूसरी तरफ भगवान राम उनकी आलोचना करने वाले व्यक्ति को सुनते थे और उसे भी समझाने का प्रयास करते थे। अमित शाह ने सपा नेता राम गोविंद चौधरी के खिलाफ कोई कह सकते हैं कोई कार्रवाई नहीं ना, क्योंकि अमित शाह का चरित्र राम का चरित्र है, अमित शाह भगवान राम है। तो ये कहने का मतलब था मनोज तिवारी का, अमित शाह ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे साफ नजर आता है कि अमित शाह का जो चरित्र है वो भगवान राम का है। आपको बता दें, इससे पहले रविवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान, जी हाँ, एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा था और इस दौरान राम गोविंद चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की तुलना रावण से करते हुए कहा था कि रावण बहुत बुद्धिमान था लेकिन जब उसमें अहंकार आ गया तो उसका समय खराब हुआ और उसके यहाँ कोई नहीं बचा। ये कहना था गोविंद चौधरी का। तो राम गोविंद चौधरी ने आगे कहा कि आज भाजपा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सभी को अपने कब्जे में ले रही है। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि भाजपा वो सारे काम कर रही है जिनसे समाज में तनाव फैले। तो पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है और चुनाव से पहले इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैं मनोज तिवारी की बात करता हूं तो वो पहला मौका नहीं है मनोज तिवारी ने अमित शाह को भगवान राम की उपाधि दी है। इससे पहले बीजेपी के कई और दिग्गज नेताओं ने भगवान को लेकर अपनी बात कही थी। और अगर मैं बात करूं त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव की, तो उन्होंने इंटरनेट को महाभारत काल से जोड़ दिया था। जी हाँ। और वहीं अगर मैं बात करूँ गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की, तो उन्होंने भी नारद को नारद की तुलना जो है संदेश वाहक के तौर पर की थी आज के समय को देखते हुए। तो ये जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अकेले मनोज तिवारी नहीं है बल्कि बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं ने इस तरह का बयान दिया है भगवान को लेकर, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिस तरह से भगवान की तुलना नेताओं से कर दी जाती है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि देखिए राजनीति में ये बिल्कुल सही नहीं होता कि इसमें जो है भगवान को या देवी देवताओं को बीच में लाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ होती है। और जिस तरह से देखने को मिलता है कि इस तरह का खेल खेल दिया जाता है और बोला जाता है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति का जो स्तर है ये गिरा। आपको मैं बता दूं कि देखिए 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक और ऐसे में जिस तरह से एक दूसरी पार्टी पर यहाँ पर नेता एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, तो ऐसे में चुनाव से पहले का ये माहौल देखने को मिलता है। तो आपको मैं बता दूं कि 2019 को लेकर बीजेपी काफ़ी सजग है और 2019 को लेकर बीजेपी क्या रणनीति बना रही है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा था कि बैठक में लोकसभा और
विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को और मजबूत बनाने और पार्टी के विकास एजेंडे को गरीबों तक पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। सिंह ने कहा, हमने अपने सुशासन के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की और मुख्यमंत्रियों ने बताया कि वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर घर में बिजली पहुंचाने और 2022 तक सभी परिवारों को घर मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है। भाजपा के एक मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश में केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में प्रस्तुति दी और आगे की कार्य योजना पेश की। बैठक के दौरान पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय बजट में प्रस्तावित योजनाओं को आने वाले समय में अपने अपने प्रदेशों में लागू करने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में योजनाओं को लागू करने की समीक्षा और जनता के बीच प्रभाव का आकलन करने को कहा। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह एवं कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा, इन परिस्थिति में सरकार और पार्टी दोनों की कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस वक्त देश के 19 राज्यों में भाजपा या फिर सहयोगियों के साथ उसकी सरकार है। पार्टी का मानना है कि अगर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहना दिया जाए तो फिर इसका व्यापक असर पड़ेगा। 2018-19 के आम बजट में केंद्र सरकार ने गांव, गरीब और किसान पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ऐसे में पार्टी का जोर इस बात पर है कि बजट के प्रावधानों को धरातल पर उतारा जाए। बैठक में देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने, किसानों को फसल के उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य देने के अलावा केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना को लागू करने की विविध आयामों पर भी बात होने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का हमेशा से इस बात पर जोर रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य की जो योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, विजय रूपाणी और कई नेता शामिल थे। तो देखा आपने कि कैसा देखने को मिला, किस तरह से यहाँ पर 2019 को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। तो वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत है कि किस तरह से सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए एक तरफ पीएम मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। 2019 को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, देखिए एक खास रिपोर्ट। 2019 का चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी काफी कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस प्रदर्शन पर राहुल गांधी काफी खुश हुए थे, लेकिन वो ये जानते हैं कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को जीत के करीब लाने वाले नेता कांग्रेस के नहीं थे, बल्कि बीजेपी विरोधी वो नेता थे जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए गुजरात सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। राहुल गांधी को ऐसे नेता के साथ हर राज्य में चाहिए जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन उनका मुकाबला बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह से है जो इस तरह के खेल में माहिर है। साल 2018 चुनाव का मौसम लेकर आया है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कर्नाटक और साल के अंत तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव वाले राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय, मिजोरम और कर्नाटक। कांग्रेस को इन राज्यों में अपनी सरकार बचानी है, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों में सेंधमारी करनी है। पर जिस लाभ लश्कर के साथ बीजेपी चुनाव में उतरती है, क्या वो कांग्रेस के पास है? इस साल देश भर में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में मार्च तक चुनाव होंगे, जबकि मिजोरम में नवंबर में चुनाव की खबर है। वहीं दक्षिण में कर्नाटक में अप्रैल या मई में चुनाव होंगे, जबकि हिंदी बेल्ट, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल के अंत तक चुनाव होंगे। कांग्रेस को अपना गढ़ तो बचाना ही है, साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसानों के गुस्से की वजह से बड़े असंतोष का फायदा उठाना है। मेघालय में अभी मुकुल संगमा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। 60 सीटों के इस चुनाव में बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं त्रिपुरा में वामपंथियों का गढ़ है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के बाद यहां पर कब्जा करना चाहती है। क्या राहुल गांधी को त्रिपुरा में वामपंथ का साथ मिलेगा? एक तरफ जहां कांग्रेस कर्नाटक में अपने आखिरी सियासी किले को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वहां कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाकर राज्य सरकार उखाड़ने की पूरी कोशिश करेगी। कर्नाटक में इस साल के आखिर में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, फिलहाल वहां कांटे की टक्कर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस
लगा पाएगी सेन। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ की सरकारों को लेकर असंतोष काफी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर घोटाले के आरोप की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, राजस्थान में वसुंधरा सरकार के खिलाफ काफी असंतोष देखा जा रहा है। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस तभी फायदा उठा पाएगी जब वो इन राज्यों इकाइयों में गुटबाजी खत्म कर दे। आपको बता दें कि 2019 में जल्द ही लोकसभा के चुनाव भी हैं और ऐसे में कांग्रेस हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव जीत सके। इसी के तहत राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अपनी टीम के सदस्यों को लाना चाहते हैं। 25 सदस्य इस समिति में कई युवा नेताओं की नियुक्ति की खबर है। बताया जा रहा है कि उनकी टीम में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरे शामिल होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुराने गार्ड के बीच कुछ युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाना होगा, आपको बता दें। लेकिन अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि वो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो देखा आपने कि चुनाव से पहले किस तरह का माहौल नजर आ रहा है। देश भर में चुनाव है। जी हाँ, अभी मैं बात करूँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश में है विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, देश में लोकसभा चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव है। तो चुनाव से पहले इस तरह का देखने को मिलता है कि एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही नेता, इल्ज़ाम आप लगाते हैं। तो जिस तरह से ये चीज़ें, ये गलत तरह की बातें जो कह देती हैं राजनीति में, इससे पार्टी का, ना सिर्फ पार्टी की छवि खराब होती है बल्कि राजनीति का स्तर भी गिरता है। क्योंकि अक्सर जो है देखने को मिलता है कि नेता कई बार जोश जोश में गलत तरह की बयानबाजी कर बैठते हैं और गलत तरह से जो है नेताओं पर कटाक्ष कर देते हैं। तो ये गलत होता है क्योंकि राजनीति की एक अपनी अलग जगह होती है, राजनीति की अपनी एक अलग मर्यादा होती है। और जिस तरह से मर्यादाओं को लांग कर यहाँ हम कह सकते हैं कि नेता गलत तरह की बयानबाजी करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। तो बहरहाल आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होता है और जो तमाम चुनाव हैं विधानसभा के, वहाँ क्या होता है ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही वोट करेगी। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।